डेज हाई 15,962 ना लेवल्स पर निफ्टी कार्यरत अने एनी साथे ज 52 वीक न्यू हाईस पर क्रॉस करतुं 52 निफ्टी जयरे बैंक निफ्टी तरफ थी माइनर सपोर्ट 60 पॉइंट्स ऊपर मिड कैप्स की अंदर पर 64-65 पॉइंट्स नो छो। आईटी शेयर्स में धमाकेदार तेजी सतत 5मा दिवसे तेजी साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी आईटी इंडेक्स आ सप्ताह में टीसीएस कोफोर्ज इन्फोसिस और एम्फेसिस जेवा काउंटर्स लगभग 2-4% चाले। साथ ज सीमेंट कंपनीज की अंदर सारी तेजी स्पेशली मिडकैप सीमेंट काउंटर्स की अंदर सारो मूव मंगलम सीमेंट्स एनसीएल इंडस्ट्रीज 5% ने पार महीना भर में बन्ने शेयर्स में 12-15% ना रिटर्न। नफामांथी आश्रे 460 करोड़ की खोट में आई आरबीएल बैंक खराब थी एसेट क्वालिटी त्याज मिश्र रहा पीएनबी ना परिणाम ऑपरेशनल खर्च और प्रोविजनिंग घटवा थी नफा की अंदर 230% नो उछाड़ो व्याज आवक में 7% वधारो। साथ ज मोहंगी थी टाटा मोटर्स की गाड़ियों कंपनीए आज से पेसेंजर व्हीकल की किमतों 1% वधारी परंतु रिटेल मैं 31 ऑगस्ट सुधी जूनी किमतों रहेशे लागू 5 महीना मारुति करो तो प्राइस हाइक। अने साथ ज टोक्यो ओलम्पिक्स ना सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम नो वर्ल्ड चैम्पियन बेल्जियम सामे पराजय भारतीय पुरुष हॉकी टीम बेल्जियम सामे 5-2 हारी हवे ब्रॉन्ज मेडल माटे रमशे टीम।